हाय गाइस, वंस अगेन हम बात कर रहे हैं नेक्टर लाइफ साइंसेस कंपनी के बारे में। इस कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने इससे पहले एक जो वीडियो बनाया हुआ था उसमें अपलोड कर दी है। तो जिस व्यक्ति को भी अगर किसी भी प्रकार से ये डाउट है कि कंपनी की प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी मेनली किस सेक्टर से काम करती है, कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, अगर आपको इस टाइप की इंफॉर्मेशन में कोई भी आपको डाउट है, क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं है तो आप इससे पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक में ऑलरेडी दूंगा। इस पार्ट में हम जो बात करने जा रहे हैं मेनली वो हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स पे बात करेंगे, राइट। कंपनी के रिजल्ट्स पे मेरा फोकस रहेगा। अल्टीमेटली हम इसमें देखेंगे कंपनी क्यों लॉस में जा रही है, कंपनी का क्या रीजन है इस लॉस के पीछे का, उस चीज पे हम मेनली फोकस करेंगे। तो रिजल्ट हम देखेंगे अभी इस क्वार्टर लास्ट जो अभी क्वार्टर जून Q1 के क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, इस क्वार्टर पे भी अल्टीमेटली फोकस करेंगे और इससे पहले एक दो साल का डेटा हम देखेंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, आपको ये रिजल्ट्स के थ्रू हम शो करेंगे, राइट। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे कंपनी का रेशियोज के बारे में, हम बात करेंगे कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी कैसा मतलब हेल्दी रेशियो है या नहीं है या कितना होना चाहिए, इस चीज पे हम बात करेंगे, राइट। एंड नेक्स्ट जो रहेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रहेगा, उस पर भी हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट नेक्स्ट जो लास्ट में रहेगा हमारा वो बैलेंस शीट पे हम फोकस करेंगे। कंपनी एसेट्स क्या है कंपनी की और लायबिलिटीज क्या है कंपनी के पास में, जो एसेट्स या कंपनी लायबिलिटी ले रही है तो वो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, ये सारी चीजों को लेकर हम बैलेंस शीट के थ्रू देखेंगे, राइट। सो लेट्स मूव। तो अभी हम देख रहे हैं ये फिगर जो हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स हमने लिए हुए हैं, फिगर जो है हमारे देख रहे हैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे, ये हमारे फिगर हैं सारे करोड़ में, राइट। तो ये करोड़ में हमारे फिगर हैं और जो कंसोलिडेटेड फिगर हमने लिए हुए हैं। डेटा की अगर हम बात करें तो ये सितंबर 2018 से लेकर हमारा 2021 तक के हमने डेटा यहाँ पर लिए हुए हैं, राइट। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे सेल्स, कंपनी के सेल्स क्या परफॉर्मेंस रही है, राइट। तो सेल्स की अगर हम बात करें तो 723 करोड़ की लगभग सेल्स रही है सितंबर 2018 में, राइट। इसके बाद में दिसंबर क्वार्टर में देखें 732 करोड़, मार्च क्वार्टर 2019 में हम देखें तो 795 करोड़, राइट। अभी लास्ट के अगर हम तीन क्वार्टर देखें 2020 दिसंबर के तो 378 करोड़, मार्च क्वार्टर जो एंड हुआ है अभी 348 करोड़ के आसपास और जून क्वार्टर लास्ट अभी रिसेंट Q1 के जो रिजल्ट आए हुए हैं 385 करोड़ का कंपनी की सेल्स, राइट। इसके बाद हम एक्सपेंसेस की, नेक्स्ट टर्म जो है हमारा एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो 659 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए कंपनी के सितंबर क्वार्टर 2018 और दिसंबर की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में 667 करोड़, मार्च 2019 721 करोड़ और लास्ट अभी थ्री क्वार्टर देखें तो 345 करोड़ के दिसंबर 2020, मार्च में 319 और अभी रीसेंट Q1 में 349 करोड़ के कंपनी के एक्सपेंसेस हुए, राइट। इसका मतलब है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे हाथ लगा, राइट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये जो हमारी सेकेंड लाइन थर्ड लाइन है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी इसमें से ना तो एक्सपेंसेस किसी प्रकार से और टैक्स वगैरह इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन जो होता है कुछ भी लेस नहीं किया गया है, सिर्फ इसमें एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग कंपनी ऑपरेटिंग के दौरान जो कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं मशीनरी, राइट, प्रोडक्ट्स, इन्वेंट्री जो यूजेस होती है उसमें जो कंपनी के एक्सपेंसेस हुए हैं वो सिर्फ हटाने के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है वो आया है 64.37 करोड़ का सितंबर क्वार्टर 2018 का डेटा है, राइट। इसके बाद 65, 74 और लास्ट इसमें थ्री क्वार्टर में देखें दिसंबर 2020 की तो 32 करोड़, मार्च 2021 29.3 करोड़ और अभी जून क्वार्टर में 35.37 करोड़, राइट। तो ऑपरेटिंग, नेक्स्ट टर्म जो रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 8.89%, 8.91%, 9.36%, तो जैसा कंपनी क्या कर रही है सेल्स कर रही है उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी आ रहा है, राइट, 10.77%। और अभी अगर हम बात करें लास्ट जून की तो इस क्वार्टर में कंपनी को 9.19% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, राइट। अगर प्रॉफिट मार्जिन की हम बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन 8.89% से लेकर 9.19% देखेंगे तो आप इसमें ग्रोथ नजर आ रही है, राइट। बट इसकी बॉटम लाइन अगर हम देखें नेट प्रॉफिट की बात करें, राइट, नेट अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो जो बॉटम लाइन है
तो जो ये बॉटम लाइन है ये करीब 6 करोड़ के आसपास का लगभग प्रॉफिट है, जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 8.89% था, राइट। और अभी अगर हम देखें इस क्वार्टर में जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9.19% है, मतलब 8.8% से इंक्रीज होकर 9.19% जब हो गई, तो कंपनी का प्रॉफिट आपके हिसाब से इंक्रीज होना चाहिए, बट कंपनी का प्रॉफिट क्या है यहाँ पे 1.79% है, लगभग 2 करोड़ का प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का। तो देखा जाए तो प्रॉफिट जो आ रहा कंपनी को वो माइनस में जा रहा है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो तो ग्रोथ में नजर आ रहा है। तो इसके पीछे क्या ऐसे रीजन है वो हम बात करने वाले हैं, राइट मेनली। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं तो ऐसे क्या रीजन है। तो ये दो बिगेस्ट रीजन हमने निकाले, टू बिगेस्ट रीजन है लॉस के। जो पहला है हमारा सेल्स एंड एक्सपेंसेस, राइट। सेल्स ही सबसे बड़ा रीजन है जो कंपनी को लॉस में लाने का। तो कंपनी सन 2018 में सितंबर क्वार्टर में जो सेल्स थी वो थी 723.7 लाख, राइट। और अगर हम देखा जाए जून 2021 में 385 हो गई, लगभग देखा जाए 723 से 385, इट मींस लगभग 45% कंपनी के सेल्स डिक्रीज हुई है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो 8.39% ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ 2019 जून क्वार्टर में प्रॉफिट में थी, राइट। सितंबर में वही 2019 में -20% हो गई, 11% माइनस में सारे फिगर आपको दिख रहे हैं, 32%, 26%, 41%, 38% माइनस में, और लास्ट अभी जून क्वार्टर में -1.17% कंपनी की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है, राइट। तो फैक्ट्स आपके सामने हैं, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं तो आप सारे डेटा को पहले चेक करें, राइट। किसी के कहने पे आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, इस चीज का आप ध्यान रखें। आप अपना ओन डिसीजन लें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, राइट। कोई बोल रहा है कि आप इस कंपनी को खरीदिए, तो खरीदने से पहले आप कंपनी के डेटा चेक कीजिए, फैक्ट चेक कीजिए, तो आपको रियलिटी का पता चलेगा, राइट। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको पहला वीडियो सबसे पहले मिलेगा जैसे हम अपलोड करेंगे, राइट। तो लेट्स मूव नेक्स्ट पॉइंट पे, हम बात करें एक्सपेंसेस की, राइट। एक्सपेंसेस अगर हम देखें तो कंपनी के एक्सपेंस कहाँ हो रहे हैं सबसे ज्यादा, तो मटेरियल कॉस्ट में कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे वो 2018 में सितंबर क्वार्टर में 81% एक्सपेंसेस हो रही, जो भी कंपनी कमा रही थी, जो भी सेल्स हो रही थी उसका 81% मटेरियल कॉस्ट में कंपनी का एक्सपेंस हो रहा, राइट। और ये एक्सपेंसेस 81% से लेकर 74% लास्ट जून क्वार्टर में जो एक्सपेंसेस आए कंपनी की, 74% कंपनी के जून क्वार्टर में एक्सपेंसेस हुए। तो आप देख रहे हैं डिक्रीज फॉर्म में है, ज्यादा कोई खास मटेरियल कॉस्ट कम नहीं किया है जिस हिसाब से कंपनी को करना चाहिए, पहले चीज। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, ये दो चीजें लेस करने के बाद, पहला मटेरियल कॉस्ट और दूसरा एम्प्लॉय कॉस्ट, राइट। एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें तो जो भी सेल्स है उसका 3% कंपनी 2018 सितंबर क्वार्टर में खर्च कर रही थी, राइट। और अगर अभी हम देखें जून क्वार्टर 2021 में, तो 5% कंपनी के एम्प्लॉय कॉस्ट में पैसा जा रहा है, मतलब हो सकता है कंपनी ने एम्प्लॉय न्यू हायर किए हो या कुछ बोनस प्रोवाइड किया हो या न्यू पॉलिसीज अपने एम्प्लॉय के लिए कंपनी लाई हो, इसलिए क्या है कि 2% की यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रही है। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट प्रॉब्लम तब होगी जब इसके बावजूद भी कंपनी अगले क्वार्टर में अपनी सेल्स अगर इंक्रीज नहीं कर पाती है। लास्ट अगर देखा जाए तो मार्च क्वार्टर में 348 करोड़ की कंपनी के सेल्स थी, तो 348 से 385 तक कंपनी लाई है, राइट। और अगले क्वार्टर में नेक्स्ट क्वार्टर में 400 क्रॉस करती है, तो इस चीज का कंपनी को बेनिफिट्स मिलेगा एम्प्लॉय कॉस्ट का, राइट। और यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट पे कंपनी को और फोकस करना चाहिए और कम करना ही चाहिए पॉसिबिलिटीज, राइट। तो ये पहला रीजन है जिसमें कंपनी लॉस में है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना। तो अभी इस क्वार्टर में जो नेक्स्ट क्वार्टर Q2 को जब आप ट्रैक करेंगे तो दो चीजों पे फोकस करेंगे, पहला मटेरियल कॉस्ट आप देखेंगे कंपनी का क्या है, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, राइट। आपको फर्क बैलेंस शीट में नजर आ जाएगा। नेक्स्ट एम्प्लॉय कॉस्ट आपको देखना है कितना है, सस्टेन है 5% पे या कम हुआ है या इंक्रीज हुआ है, इन दो पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। तो हमारा टू बिगेस्ट रीजन में पहला जो रीजन था सेल्स और एक्सपेंसेस, दूसरे रीजन की अगर हम बात करें, राइट,
दूसरा रीजन हम देखें कंपनी के, तो दूसरा रीजन जो है हमारा हाथ में कंपनी के वो है इंटरेस्ट और डिप्रिशिएशन, राइट। इंटरेस्ट एंड डिप्रिशिएशन, कंपनी के पास में एक हैवी कर्ज है, राइट। 43.55 मैक्सिमम कंपनी का प्रॉफिट जो है किसमें जा रहा है, लगभग इंटरेस्ट में निकल जा रहा। तो 43.55 करोड़ का कंपनी का 2018 क्वार्टर सितंबर का 43.55 करोड़ इंटरेस्ट, और लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें जून की, तो 25.75 करोड़ का कंपनी का सिर्फ इंटरेस्ट गया। और डिप्रिशिएशन की बात करें तो 15.55 करोड़ का लगभग डिप्रिशिएशन जाता है, 16, 14, फिर 16, 13, 15, तो इस तरीके से अगर ओवरऑल देखें तो एवरेज ऑन एन एवरेज है 15%, राइट। तो 15% के आसपास का कंपनी का डिप्रिशिएशन में चला जाता है, राइट। तो ये दो बिगेस्ट रीजन है जो कंपनी मतलब प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। और अगर हम देखें इंटरेस्ट की अगर बात देखें तो 43.5% से लेकर, राइट, 25.75% लास्ट इस जून क्वार्टर में हुआ है, लगभग 40.87% की कंपनी की इंटरेस्ट में गिरावट आई है, राइट। लेकिन उससे भी बड़ी चीज है एक डिप्रिशिएशन, तो 15.55 से लेके 14.28% का कंपनी ने मतलब यहां तक डिप्रिशिएशन लाई है, बट इसमें अगर देखा रहा जाए डिक्रीज तो 8.16% की सिर्फ डिक्रीज है, राइट। अगर देखा जाए इंटरेस्ट 40% जिस हिसाब से गिरावट आई है, अगर उसी हिसाब से डिप्रिशिएशन में गिरावट होती तो कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, क्योंकि ये क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी के जा रहे हैं, अगर ये कम हो जाएंगे कंपनी के तो कंपनी प्रॉफिट में नजर आएगी। तो दूसरी चीज जो आपको ट्रैक करनी है वो डिप्रिशिएशन एक बार फोकस करना है और इंटरेस्ट, अगर कंपनी का इंटरेस्ट कम होता है कंटिन्यूअसली तो कंपनी और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो ये दो चीजों पर आपको ट्रैक करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी के रेशियोज के बारे में, राइट। कंपनी का कंपनी के कैसे हेल्दी रेशियो हैं इस चीज़ पे हम बात करेंगे। तो ये डेटा जो हमने लिया हुआ है वो ईयर ऑन ईयर का लिया हुआ है, लास्ट 9 ईयर्स का डेटा हमारे सामने आपको शो हो रहा है। और पहला जो रेशियो हमारा आता है ये रिटर्न रेशियो होते हैं, रिटर्न रेशियो में हमारा आता है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, ROE शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलते हैं। तो ये 2012 में 9.73% का ये रेशियो था और ये अभी घटकर 2.87% है, राइट। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस दिख रहा है, राइट। तो एक हेल्दी जो ROE होनी चाहिए वो कंपनी के लिए मोर देन 10 होनी चाहिए, राइट, अप्रोक्सीमेट। और ROCE, नेक्स्ट जो टर्म है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो सन 2012 में करीब 12% का जो ROCE था और अभी ये घटकर 8.32% का हो गया है। तो कंपनी का जो ROCE है वो कहीं तक ठीक है, बट मोर देन 12, 13, 14 इस तरीके से अगर होगा तो ROCE तो कंपनी को और अच्छा प्रॉफिट निकलने की संभावना है। और नेक्स्ट जो रहेगा हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब है कंपनी अपने एसेट्स से प्रॉफिट कितना जनरेट कर पा रही है ये देखना होगा। तो 3.7% का था कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स ROE और वो अभी घटकर 1.19%। आप देख रहे हैं सारी चीज़ें क्या डिक्रीज फॉर्म में है। तो जो ROE है, रिटर्न ऑन एसेट्स है, वो लगभग हमारा ROE का 3% आसपास होना चाहिए। अगर ROE हमारा 10 से 12% की है, मोर देन 5 to 6% होना ही चाहिए, अब तब एक कंपनी का हेल्दी रिटर्न रेशियो होता है, राइट। नेक्स्ट रेशियो की बात करें तो आता है हमारा ये इफिशियंसी रेशियो है, राइट। इफिशियंसी देखा जाए तो डेप्टर डेज, राइट, कर्जदार डेप्टर डेज हम पहला टर्म देखेंगे तो ये 2010 से लेकर 2021 तक का डेप्टर डेज की अगर हम बात करें तो 96 डेज का कंपनी का डेप्ट और जो कर्जदार हैं, जो कंपनी कुछ उधार में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है देती है तो उसके बिहाफ पे जो पैसा आता है वो 96 डेज का कंपनी के पास में पेमेंट रीपेमेंट आ रहा है, राइट। तो डेप्टर डेज 96 से लेके 89 हुआ है। तो आफ्टर सेल्स की बात करें जो कंपनी का पैसा आ रहा है उधारी का पैसा वो 89 डेज का, मतलब लगभग 3 महीने में कंपनी के पास पैसा आ रहा है। बड़ा इंटरेस्ट जाने के पीछे का जो रीजन है या बर्डन है कंपनी के पास में बहुत हैवी लोन का वो कहीं ना कहीं यही है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात तो इन्वेंट्री की बात करें तो 266 डेज की इन्वेंट्री थी। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री होती है, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री होती है और कुछ फिनिश्ड इन्वेंट्री रहती है कंपनी के पास में। तो वो जो इन्वेंट्री डेज हैं वो 266 डेज से लेके अभी क्या हो गया है
करीब 185 डेज का हो गया, मतलब 6-6 महीने कंपनी की इन्वेंट्री पड़ी रहती है। आप समझ सकते हैं कंपनी की क्यों ग्रोथ नहीं हो पा रही है, क्या रीजन है कंपनी का, वो आप सामने देख रहे हैं एक्चुअली इस रेशियोज के थ्रू, राइट। तो 185 डेज का आप सोचिए, 185 डेज तक कंपनी की इन्वेंट्री कंप्लीट नहीं होती, मतलब सेल्स ही नहीं होती कंपनी के, जो कंपनी का माल तैयार है, मतलब रॉ मटेरियल से लेके वर्क इन प्रोग्रेस, 3 टाइप्स की इन्वेंट्री होती है। फर्स्ट रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री, कच्चा माल खरीदती है, इसके बाद माल को तैयार करती है, तो वर्क इन प्रोग्रेस, और लास्ट में फिनिश्ड इन्वेंट्री होती है। तो 185 डेज का टाइम ले रही है, 6 महीने तक का कंपनी क्या करे इन्वेंट्री पड़ी रहती है। तो आपको ये देखना है कि ये डेज कितने कम हो रखा है, 266 के कंपैरिजन में 185 इज बेटर, बट इससे भी कम होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक पेबल डेज, राइट, कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंपनी खुद उधार में खरीदती है, तो वो पेबल डेज भी हैं, तो वो भी एवरेज होने चाहिए हमारा 90 डेज का। अगर है हमारा तो 90 डेज से लेकर 108 डेज तक हुआ है लगभग, ये भी साढ़े तीन महीने का पेबल डेज है। तो कंपनी जितना लेट पैसा देगी तो उसके हिसाब से कंपनी को भी माल मतलब लेट मिलेगा, या फिर क्रेडिट कहीं ना कहीं क्रेडिट में इफेक्ट पड़ेगा। तो कंपनी को एक मेंटेन करके चलना चाहिए, कम समय में तुरंत पैसा कंपनी को देना भी चाहिए, तो उसको क्या होगा, कंपनी टाइम पे कंपनी को पैसा रिटर्न्स में भी आएगा। और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे कैश कन्वर्जन साइकिल, कैश जो है कन्वर्जन साइकिल है, राइट, वो कैश में कन्वर्ट होने में, जैसे इन्वेंटरी पड़ी हुई है हमारी, इसके बाद में प्रोडक्ट्स कंपनी दे रही है मतलब सोल्ड कर रही है, उसके बाद में पैसा आता है, जो कैश कन्वर्ट जो कन्वर्जन साइकिल है वो 272 दिन का था, कन्वर्जन साइकिल घटकर 166 डेज का हुआ है, राइट। तो ये भी लगभग 5-6 महीने का टाइम ड्यूरेशन है। तो कंपनी जो भी कन्वर्जन साइकिल है कैश का हो, डेप्टर का हो, इन्वेंट्री का हो, तो वो 5-6 महीने का टाइम ड्यूरेशन है। तो अगर कंपनी का जो थोड़ा सा डेज में अगर गिरावट आएगी तो कंपनी को प्रॉफिट अच्छा होगा। तो कंपनी का नेक्स्ट लास्ट टर्म है वो वर्किंग कैपिटल डेज है, राइट। तो 231 डेज से लेकर इसमें भी कंपनी 190 डेज का समय ले रही है, मतलब ये भी 6 महीने का आसपास का, 6-7 महीने का वर्किंग कैपिटल डेज है। मतलब अगर एक साल में देखा जाए तो 2 बार टर्न कर पाती है अपने प्रॉफिट को, या फिर अपने साइकिल को मतलब साइकिल को आप मूव कर पाती है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं कंपनी के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है। कंपनी का साइकिल जो होना चाहिए 3-4 बार तो रहना ही चाहिए, तो ये चीजें कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल रहेंगी, राइट। नेक्स्ट हम बात करें, लास्ट हमारा रेशियो है वो है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो, हम कहते हैं। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो 1.33% से लेकर 0.69% है, कम कर रही कंपनी कर्ज, बट और बहुत फोकस करना है कंपनी को, अभी भी बहुत कम करना कर्ज, राइट। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो है, मैंने लास्ट वीडियो में इससे पहले का जो हमने वीडियो अपलोड किया था, आप उस वीडियो को देखें, समझाया था कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। तो कम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इन शॉर्ट में बताना चाहूंगा, जितना ज्यादा उतना कंपनी के लिए अच्छा, ये क्रेडिट स्कोर की तरह काम करता है। तो 1.7% से लेकर 1.3% हुआ है, कम हुआ है कंपनी का, तो वो आप चीजें साफ साफ देख सकते हैं क्यों हुआ है कंपनी का, वो कैश कन्वर्जन साइकिल में आप फोकस कर सकते हैं, राइट, डेप्टर डेज वगैरह में। तो ये पेबल डेज कंपनी के बहुत लेट हो रहे हैं, इसकी वजह से कन्वर्जन साइकिल जो है अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है उसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं, राइट। और करंट रेशियो की भी हम बात करें तो ये भी कंपनी का जितना ज्यादा उतना बेटर होता है। तो करंट रेशियो भी 1.16% से लेकर 0.29% हुआ है। चलिए ये चीज अच्छी है, थोड़ा सा फर्क पड़ा है कंपनी को लेकर, बट अभी और भी बहुत सारी चीजों पे कंपनी को काम करना है। तो इन सारे जो रेशियोज पे आपको नेक्स्ट क्वार्टर में ट्रैक करना है कि कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहा है, जिससे आप क्या कर पाएंगे, राइट डिसीजन ले पाएंगे, राइट। एंड नेक्स्ट टर्म्स जो रहेगा हमारा कैश फ्लो का, हमारा नेक्स्ट टर्म है। तो कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो कैश फ्लो भी हमारा 3 तरीके से कैश फ्लो होता है। फर्स्ट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड होता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 2010 से मार्च से 55 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेकर 21 का हो गया है मार्च 2021 तक का। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की अगर हम बात करें 146 करोड़ का कंपनी का कैश कंपनी से गया है। तो वो कहाँ गया है इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो वो देखेंगे अभी हम। 29 करोड़ का भी लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो यूज हुआ है। तो लास्ट एक है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंस में भी 91 करोड़ से लेकर 11 करोड़ के आसपास का हुआ है। और इसकी अगर हम बात करें तो नेट कैश फ्लो जो अभी हमारे पास रहता है कंपनी के पास बहुत ही कम है, वो 4 करोड़ का नेट कैश फ्लो। तो कंपनी के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, अभी इसको फेस करनी पड़ेगी। तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स पे फोकस करना, आपको ब्लाइंडली कंपनी को फॉलो नहीं करना है
कि ब्लाइंडली आप इस कंपनी पे छोटा स्टॉक देख के 30 रुपए का स्टॉक है, 32 रुपए का स्टॉक है, तो आप छोटा स्टॉक समझ के आप ब्लाइंडली इस पे फॉलो करो, ब्लाइंडली आप इन्वेस्टमेंट कर दो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, तो ये राइट डिसीजन नहीं होगा। आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो वो कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है आपको, वो उसके लिए मैं आप जब टेक्निकल पार्ट में हम बात करेंगे, इसके बाद भी एक वीडियो आएगा जिसमें हम चार्ट पे बात करेंगे मेनली, तो उस चीज पे आपको फोकस करना है, उस पे उस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको फाइनेंशियल्स भी ट्रैक करते रहना है, साथ में आप अपने शेयर्स की क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन कब कब इंक्रीज करना है, वो क्या टाइम रहेगा, राइट डिसीजन क्या रहेगा, वो हम अगले पार्ट में बात करेंगे, राइट। अगले वीडियो में जो हम बात करेंगे उसमें हम डिटेल्स में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लेट्स मूव कम ऑन द टॉपिक, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम देखें तो 146 जो हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लास्ट, तो वो कहाँ पे कंपनी ने कुछ परचेज किए थे एसेट्स, राइट। तो अभी अगर देखा जाए तो 31 करोड़ के कंपनी ने कुछ एसेट्स परचेज किए हैं, और कुछ एसेट्स जो कंपनी ने क्या किया सोल्ड भी किए हैं 0.19 करोड़ के आसपास, और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो परचेज कुछ इन्वेस्टमेंट भी किए हैं। तो ये कंपनी के जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा गया है वो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ कंपनी ने यूज़ किया है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी कंपनी ने कुछ बारोइंग्स थी कंपनी की, तो वो बारोइंग्स में पैसा गया 125 करोड़ के आसपास का, और इंटरेस्ट जो पेड किया है 112 करोड़ का कंपनी का इंटरेस्ट गया। तो आप देख सकते हैं इसीलिए जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नेट कैश कंपनी का 11 करोड़ का रहा है, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 29 करोड़ का, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 21 करोड़ का। तो नेट जो कैश रहा है कंपनी पास लेस करने के बाद में वो 4 करोड़ का कंपनी का लेस नेट कैश फ्लो कंपनी के पास में है, तो बहुत ही कम कैश है, थोड़ा सा कंपनी को और फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लास्ट पॉइंट हमारा ये बैलेंस शीट की हम बात कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट की अगर हम बात करें इसमें शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल मतलब मैंने आपको बताया कंपनी के मालिक का पैसा होता है जिसे हम शेयर कैपिटल बोलते हैं, रिजर्व्स भी कंपनी के मालिक का पैसा होता है, जो कंपनी का प्रॉफिट आता है वो रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी डाल देती है, तो उसे हम रिजर्व्स बोलते हैं, राइट। और नेक्स्ट है बोरोइंग कंपनी की और अदर लायबिलिटीज भी हैं, तो ये आप देख रहे हैं 22 करोड़ की शेयर कैपिटल कंपनी ने 1040 का रिजर्व है, 930 करोड़ की बोरोइंग है, अदर लायबिलिटीज 506 करोड़ की हैं, तो टोटल अगर देखा था 2471 करोड़ की कंपनी की क्या है लायबिलिटीज है। तो ये लायबिलिटीज किस पर्पज से ली गई है हम एसेट साइड्स में देख लेते, तो कुछ फिक्स एसेट्स कंपनी ने खरीदे हैं, जो भी हमारा लायबिलिटीज उठाई है कंपनी का जैसे रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा या बोरोइंग से लिए हैं कंपनी ने, वो इसलिए लिए हैं क्योंकि कंपनी कुछ क्या कर रही है फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो 772 करोड़ का कंपनी का फिक्स एसेट लिया गया, वर्किंग कैपिटल में जो हुआ 99 का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 1 करोड़ के आसपास का, तो अदर लायबिलिटीज भी हैं कंपनी के पास में तो लगभग 16 करोड़ की। तो टोटल अगर देखा जाए बैलेंस होकर 2471 करोड़ एसेट साइड में भी आप देख सकते हैं। ओके, तो कंपनी के हमने वीकनेसेस के बारे में और स्ट्रेंथ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा हमारा वो कंपनी के मेनली टेक्निकल एनालिसिस पे रहेगा, तो आप उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। वंस अगेन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और हाँ, आपको अगर किसी भी कंपनी का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट में उस कंपनी का नाम लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कंपनी की डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने, कंपनी सही है या गलत है डिसीजन आपको लेना है, फिगर आपके सामने मैं रखूंगा, डिसीजन आपको लेना है, राइट। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।